टाइटन की घड़ी से लेकर स्टारबक्स की कॉफी तक टाटा देश का बड़ा और जाना माना ब्रांड है। टाटा को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन देश उनके व्यक्तित्व को हमेशा याद रखेगा। हमारे देश के यूथ का इस पर क्या कहना है? रतन टाटा जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या सोचते हैं, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? यश। आपका अंकित? या फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। और रतन टाटा जी तो उनकी तो मेमरीज ही इतनी सारी हैं, मतलब उनका बिजनेस इतना सारा है, तो या हम उनको याद रखेंगे एज अ फॉर आई विल कॉट दिस दैट ही होल्ड्स मोर ह्यूमैनिटी देन अ बिजनेस माइंडसेट। तो वी विल रिमेंबर जो उनकी आपको इंस्पायर करती है। Yeah, his contribution to the human, to the economy of India, and value addition in India. क्या ऐसी चीज़ थी पहली जिससे आपको recognize हुआ पहली बार कि ये Tata की है और इसके पीछे रतन टाटा? As a science student, I like the best part कि उन्होंने एक science research institute बनाया TIFR, you know, okay? So yeah, that is the best part for me. And then he did many things, like he brought the nano project. Yeah, it was a good idea, but not executed, not well, but okay. क्या बोलना चाहेंगे आप, कैसे याद रखेंगे? एक्चुअली मैं बिजनेस प्लान्स में से रिलेटेड तो ज़्यादा अपडेटेड नहीं आता, लेकिन रतन टाटा ऐसा नाम है जिन्हें शायद ही इंडिया में कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही हैं। आप स्कॉलरशिप्स ले लें स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लें, तो रतन टाटा का इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में जब भी बात मतलब बात आई है, सिर्फ रतन टाटा जी का नहीं, उनके जो पिताजी और ओवरऑल जो टाटा ग्रुप है उसका नाम हमेशा आने वाला है। क्या चीज़ इंस्पायर करती है आपको? उनका एटीट्यूड हर चीज़ को लेकर, जो हर प्रॉब्लम्स को उनको देखने का जो उनका एटीट्यूड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है कि आप पहले वो सोच लेते हैं उसके बाद वो रिजॉल्व करते हैं। हाँ, आप क्या ऐसी एक चीज़ थी जो आपने पहले के बाद टाटा की देखी और आपको पता लगा ये टाटा ग्रुप है, उसके बाद आपको पता लगा हाँ इसके पीछे रतन टाटा? आपको पूछना चाहिए ऐसा क्या है जो आपके आसपास टाटा का नहीं? आप जो खाने में नमक खा रहे हैं, आपके आसपास जो कार्स हैं, आपके आसपास जो ट्रक्स हैं, आप के घर में मोस्टली जो स्टील की क्या कहते हैं सरिया कहते हैं, हाँ सरिया, हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसी बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे टाटा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है करेंट के टाइम पे। सो हम तो बचपन से एक्सपोज थे टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट से। सो इज अ बिग लॉस फॉर इंडिया, इतना बड़ा फिल्म? सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, एक्चुअली ये ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी बड़ा लॉस था, क्योंकि ही वॉज अ वेरी वेरी एम्पैथेटिक ह्यूमन। मैं सेल्फ हिमांशु, एक्चुअली हमारे इंडिया के मोस्ट ही आइडियल पर्सनैलिटी रही हैं देखा जाए तो, ठीक है। और जब से मुझे पता लगा कि रतन टाटा जी का निधन हुआ है, ये तो मुझे काफ़ी दिल को हेस भी पोजे, पर कोई ना उनको श्रद्धांजलि है तहे दिल से हमारी तरफ से, पर उन्होंने काफ़ी कुछ किया हमारे। इंस्पायर किस बात से आप इंस्पायर होते हैं? इंस्पायर है कि काफ़ी कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दिया उन्होंने, कोविड के टाइम पे 1,000 करोड़ दिए थे उन्होंने टाइम पे भी, एक उन्होंने हमेशा पब्लिक को फ्रंट में रखा है कि खुद के पर्सनल इंटरेस्ट पे काम नहीं किया, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ उन्होंने इतना नहीं देखा कि उनको ये रहा कि सिर्फ पब्लिक को बेनिफिट हो। मेरी तरफ से एयर इंडिया देख लीजिए आप, टाटा नमक देख लीजिए, टाटा इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि रिसर्च के लिए टीफर है, और सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या चीज़ से रतन टाटा जी को आपने पहली बार जाना या टाटा ग्रुप को आपने पहली बार जाना? टाटा ग्रुप को मैंने फर्स्ट टाइम जाना जब लाइक आई वॉज इन दी माई 12th क्लास, टाटा जी को मैंने फर्स्ट टाइम जाना, रतन टाटा जी को मैंने फर्स्ट टाइम जाना व्हेन आई वॉज इन 12th क्लास, माई टीचर वॉज सेइंग दैट देयर इज द इंस्टीट्यूट इन आवर इंडिया फॉर द रिसर्च फैसिलिटी दैट इज द टीफर। टीफर में हम लाइक मास्टर्स में मास्टर्स कर सकते हैं, वहाँ से PhD कर सकते हैं, और ये इंडिया के लिए काफ़ी बिल्डअप है कि वहाँ मतलब टाटा ग्रुप ने बनाया, वो फुली फंडेड है टाटा की तरफ से, मास्टर्स में हमें स्टाइपेंड भी मिलता है मंथली वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें। हेलो, माय सेल्फ अनिकेत। रतन टाटा जी बहुत ही ऐसे अच्छी पर्सनालिटी थी हमारे देश की, मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने देश की प्रगति के लिए, और बहुत चीज़ों में बहुत हेल्प भी करी है, कोविड टाइम पर बहुत हेल्प करी है,
किस चीज़ से इंस्पायर रहेंगे आप रतन टाटा जी? हम रतन टाटा जी जैसे उनकी लाइक सिंप्लिसिटी और उनकी जैसे वो जैसे मतलब लोगों को मतलब हेल्प करते थे, लोगों की सस्ती सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते थे लोगों के साथ, तो सब चीज़ें मतलब जो भी है वो अपने देश का भला करना चाहते थे, देश के भी बोलते थे, इसलिए उनका मतलब बहुत रिस्पेक्टेड वे में देखा जाता है पूरे कंट्री में। टाटा ग्रुप को पहली बार किस चीज़ से जाना आपने, याद है कुछ कि पहली बार पता लगा हुई ये टाटा है? बहुत सारी चीज़ें हैं टाटा ग्रुप की, जैसे कि टाटा की कार्स हैं एंड मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। पहली बार आपने कहाँ से जाना? देखिए घर से छोटी चीज़ के लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक लगाई है टाटा की फैली हुई है चीज़ें। हमारे घर पे जैसे कार भी है वो भी टाटा की कंपनी की है, सोल्ट तक टाटा कंपनी का था, मतलब सब कुछ पहले से है ये टाटा की है। मतलब बहुत ही ऐसे दुख हुआ हमें सुन के, मतलब कि इतनी मतलब महान व्यक्ति हमारे देश के ऊपर। राहुल, ये सुन के बहुत दुख लगा। एक तो पहली बात तो रतन टाटा को हम उनकी चैरिटी के लिए जो देश के लिए उनका विजन था, तो जो गरीबों के प्रति मिडिल क्लास के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मतलब मदद करना चाहते थे, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए याद रखते हैं। क्या एक चीज़ जो है आपको रतन टाटा जी की इंस्पायर करती है या फिर बहुत हिम्मत देती है? उनका विज़न और उनके हर हमेशा इस एज में भी मेहनत करते रहना और देश के लिए उनका जो विज़न था। पहली चीज़ को याद है टाटा की प्रोडक्ट कोई ऐसा जो आप जहाँ से आपको रिकॉग्नाइज हुआ हो जी ये टाटा का है ये रतन टाटा जी? हमने तो जैसे टाटा नैनो सुना था। टाटा नैनो ये काफ़ी हेल्पफुल आदमी थे, हर किसी नीडी की हेल्प करते थे और डोनेशन करते रहते थे। सो क्या एक चीज़ है जो आपको याद है कि टाटा की सबसे पहली चीज़ आपको याद हो कि ये टाटा की चीज़ थी? नैनो के लिए याद रखेंगे। रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 9 अक्टूबर की रात उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दक्षिण मुंबई में नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया, जहां उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की गई। उनका अंतिम संस्कार आज दिन में मुंबई के वर्ली इलाके में किया जाएगा।